क्वेश्चन नंबर 216, इसके अंदर IST भी है और इसके अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस भी है, मिक्स है, ए पार्ट CGT का है, बी पार्ट इनहेरिटेंस का है, तो हम पूरा ही सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, कहता है एक्सप्लेन करो कि जो शेयर्स बेचे हैं ना, इस पे इन्वेस्टर रिलीफ मिल रहा है, और कैलकुलेट भी कर दो CGT, एक तरह से IR इन्वेस्टर रिलीफ इसके अंदर पूरा रिवाइज होने वाला है। इन्वेस्टर रिलीफ की कंडीशंस याद हैं सर? बताइए, यस सर, एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशंस बतानी है कि डिस्पोजल ऑफ दिस शेयर्स क्वालिफाई फॉर इन्वेस्टर रिलीफ एज दे सेटिस्फाई ऑल ऑफ द कंडीशंस बिलो। नंबर 1, ऑर्डिनरी शेयर्स अनलिस्टेड ट्रेडिंग कंपनीज में से। अनलिस्टेड या अनकोटेड के शेयर होने चाहिए। बेहतरीन। और बाकी ये कि 17 मार्च 2016 के बाद सब्सक्राइब हुए थे। 17 मार्च 2016 के पे या इसके बाद आपने सब्सक्राइब किए, और सही और ये एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। है, नॉट एन एम्प्लॉय। और एक और कंडीशन है, हेल्ड कितने साल रखने हैं? 3 इयर्स 3 साल रखने भी हैं, और नॉट एन एम्प्लॉई, बदर में एम्प्लॉय होना जरूरी है, फुल टाइम या पार्ट टाइम या एम्प्लॉय नहीं होना जरूरी है। ये कंडीशंस एक्सप्लेन कर दी, 5 में से कुछ 2-3 मार्क तो मिल गए, सही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क मिलेंगे। देखो भाई, कैलकुलेट करने पूरा हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, बेचा कितने का मुझे बताओ, डिस्पोजल प्रोसीड या शेयर। 151107 आप इसमें अलाउड कॉस्ट कौन कौन सी, अभी इंडिविजुअल है ना, जैक इज एन इंडिविजुअल, तो कॉस्ट आएगी कितनी,13119 इतना सस्ता खरीदा था, अल्लाह अल्लाह। शेयर्स हैं तो सर इंप्रूवमेंट हो नहीं सकती, और कोई लीगल फीस हमें नजर नहीं आ रही, चार्जेबल गेन आ गया, 137988 आता है, चेक कीजिएगा। अब सर इन्वेस्टर रिलीफ कोई रिलीफ नहीं होता डायरेक्टली, बस परसेंटेज में गेम होता है, एक ही चीज है, तो एनुअल एग्जेम्पशन यानी ये चीज है, हेडिंग का लगा दी कॉलम की क्वालिफाइंग फॉर IR, खलास, एनुअल एग्जेम्पशन 12,300। कोई पिछले सालों से लॉस आया है, कोई करंट ईयर से लॉस है, अगर करंट ईयर का लॉस है तो आपको ये पता होगा कि पहले करंट ईयर के अगर कोई और एसेट होते हैं तो गेन और गेन एडजस्ट हो जाते हैं, फिर एनुअल एग्जेम्पशन आती है, और इसके बाद कोई ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले सालों से लॉस हो तो वो आता है। इस सवाल में कोई लॉस है? 22 15728 है, इसी साल है, यानी ये करंट ईयर लॉस है। हम कैसे करते थे, 2-3 एसेट होते थे, हर एसेट को अलग अलग कैलकुलेट करके नेट ऑफ कर लेते थे, यही काम हो रहा है, एक का निकाला दूसरे का फाइनल अमाउंट दिया हुआ है और उसमें लॉस है तो माइनस कर दिया। एनुअल एग्जेम्पशन की पिछले सालों का कोई लॉस गिवन नहीं था, टैक्सेबल गेन आया। IR की लिमिट, लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, लाइफ टाइम की लिमिट कितनी है IR की, 10 मिलियन, 10 मिलियन तक की अमाउंट आपको लाइफ टाइम लिमिट होती है IR की, जिसपे 10% टैक्स लग रहा होता है, राइट और रॉन्ग। इसने कोई यूज राइट की है लिमिट, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसने यूटिलाइज किया है, नहीं सर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो CGT पेबल 1241 आ गया कैसे, तो बेटा 10% अगर इसका लगाओगे तो बस एक नंबर ही तो आगे पीछे करूंगा, पानी खलास। सर, टैक्सेबल गेन की अमाउंट 124116 है। ओके, 1241116 है, तो नीचे एक वन और लगा देंगे, पानी खलास। 5 मार्क्स मिल गए सर, राउंड करो तो 1-2 कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ दो जगह पे राउंड डाउन करना है, चाइल्ड बेनिफिट में और कार के बेनिफिट की परसेंटेज में,
बाकी पूरे कोर्स में जिस तरह नॉर्मल 5.5 एज से ऊपर हो तो आगे जाना है, वरना पीछे आने नॉर्मल राउंडिंग ही करनी है, वरना बॉक्स का आंसर गलत हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? सही। आगे बढ़ेंगे। इसका बी पार्ट भी है जो IST से पर्टेन करता है, तो इन्वेस्टर रिलीफ लग गया तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया। इस सिनेरियो की तीन रिक्वायरमेंट्स है, सुभान अल्लाह। कैलकुलेट लाइफ टाइम IST इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्ट टू अ ट्रस्ट। गिफ्ट टू अ ट्रस्ट है तो हाजा CLT, ठीक है। अब देखो इसने आपसे सिर्फ ट्रस्ट ट्रस्ट वाले का पूछा है। वन में कहता है कि वो खुद पे करे, टू में वन में कहता है ट्रस्ट पे करे, टू में कहता है वो पे करे, और GCA दोनों केसेस में निकालनी है, तो इतना मुश्किल तो नहीं है। अब मैं जरा इसको देखता हूँ, ध्यान से देखना। इसने इससे पहले, इस गिफ्ट से पहले बेटी को भी कुछ गिफ्ट किया है, यानी नील रेड बैंड की वर्किंग हमारे से खिलवाएगा। जो ग्रीन कलर है ये मेरा है, यानी इसके लिए मैं सॉल्व करने आया हूं, बाकी वाला जो है वो पिछला है। राइट और रॉन्ग? राइट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई? सर रिक्वायरमेंट में ही 4 लाख सामने सामने लिखा हुआ है, सॉरी 4.5 लाख है ना, मैंने 5 नहीं देखा, 4.5 लाख है, सुभान अल्लाह। अब लाइफ टाइम निकाल रहे हो ना, कहीं लिखा हुआ है? एनुअल एग्जम्पशन इग्नोर करो, नहीं लिखा हुआ तो एनुअल एग्जम्पशन हम किस टैक्स ईयर पे, ये कौन सा टैक्स ईयर है? 22-23 है, तो 22-23 की एनुअल एग्जेम्पशन 3,000 उड़ गई। पिछला साल 21-22, देखो क्या सवाल में पिछले साल में कोई गिफ्ट शिफ्ट तो नहीं हुआ? सर एक पैट नजर आया है 20 दिसंबर 2021 को। अये हाय, कौन सा टैक्स ईयर है ये? चलिए ये है 21-22। यानी इसकी वैल्यू थी 2 लाख, इसको जो एनुअल एग्जेम्पशन मिली होगी वो 21-22 की और 20-21 की मिली होगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट 3,000 और 3,000 कितना बचा होगा? 194। ये तो ठीक है, ये तो इसका CA है, लेकिन इसने मेरी एनुअल एग्जेम्पशन पिछले साल की यूज कर ली कि नहीं कर ली? कर ली फोर तो क्या बच्चा मेरे पास, एक ही बची, 47 447 को क्या बोलते हैं? ये नील रेड बैंड आएगा। अब हम क्या करें, कैसे करें? सर नील रेड बैंड की वर्किंग होती है, क्या वर्किंग होती है मुझे बता सकते हैं सर? यस डेट ऑफ गिफ्ट से 7 साल पहले जो भी GC सॉरी जो भी GCA होगा पेट का सॉरी CLT का वो ये लाइफ माइनस टाइम, कर। लाइफ टाइम में सिर्फ CLT लेते हैं और पीछे कोई CLT मौजूद नहीं है, नहीं पीछे पैट है। डेथ IST में चार्जेबल पैट और CLT दोनों लेते हैं, और डेथ स्टेट में तो पैट और CLT दोनों ही ले लेते हैं, उधर चार्जेबल भी नहीं देखते। डेथ IST में चार्जेबल पैट, CLT तो आता ही है, चार्जेबल पैट भी माइनस होता है। डेथ स्टेट में पैट और CLT दोनों माइनस हो जाते हैं। लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ पिछले 7 साल में हुआ हुआ CLT ही माइनस होता है, इस केस में देखा हमने, खलास है ही नहीं, पैट है, कहानी खत्म। तो 3,25,000 का बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, टैक्स कम हो गया, टैक्सेबल अमाउंट आई। सर कौन पे कर रहा है? सर ये आंसर यूनिक रहेगा। अब वन और टू में जो इम्पैक्ट है ना वो देख लेते हैं। देखो भाई अगर मैं इसको वन से सॉल्व करूं, क्या कहा है? ट्रस्ट पेज IHT, तो ट्रस्ट पे करेगी तो 20% हो जाएगा, जो आ जाएगा 24,400। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट
और इस केस में जीसीए बता दो, जीसीए कैसे होगा, ट्रस्ट पे करती है तो जो सीए होता है वही जीसीए होगा टेन होता है। सीए कितना ट्वेंटी टू सॉरी 447। पानी खत्म। टू पार्ट करेंगे कि क्या नाम है इसका होशियार का, टॉम, टॉम टॉम पेज IST, तो 25% ऑफ दिस यूनिक अमाउंट लगेगा। ये एग्जामिनर को दिखा देना नीचे यूं करके, या सेल का रेफरेंस ले लेना, कितना आ जाएगा। 30,500। और इस केस में GCA कैसे निकलेगा, तो 447 में होशियार है ना, ये एड अप होगा। पेड बाई ड्यू डेट नहीं मांगी गई तो खानी खलास, 3 मार्क मिल गए भाई, सुभान अल्लाह। अब इसने ये पास पेपर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद नंबर टू रिक्वायरमेंट फॉर 2 मार्क्स, एक्सप्लेन करो कि वो जो कैश गिफ्ट जो बेटी को दिया है वो बेटी को नहीं देता, ट्रस्ट को देता तो क्या होता। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, यानी कहना ये वाला ये कहना चाह रहा है कि भाईजान बेटी की जगह अगर वो ट्रस्ट में होता तो क्या होता। सबसे पहले हम उस पर कलाम करेंगे, उस पर बात करेंगे, 1 मार्क उसका है कि भाई अगर वो CLT होता तो उस पर लाइफ टाइम IST कैलकुलेट होता, लेकिन उसकी अमाउंट 2 लाख है और इससे पीछे का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 21-22 में जो 3,25,000 का निर्देश बैंड है, ये दो लाख जो है वो CA 194 बनेगा, जो ब्लू कलर से लिखा है, ये 194 3,25 के अंदर समा जाएगा और CLT पे कोई टैक्स नहीं आएगा, 1 मार्क मिल गया। दूसरा इंपैक्ट इसका ये पड़ेगा कि जो ये वाला CLT है 20 फरवरी वाला, इसका निल रेट बैंड 3,25 से जो माइनस हुआ था वो 3,25 नहीं रहेगा, यहाँ पे CLT यानी 194 माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंड एसेट पे जो टैक्स है वो 194 x 20 या 25% के हिसाब से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका बैंड पिछले CLT की वजह से रिड्यूस होना होगा। कैलकुलेट करने का नहीं बोला है, इसलिए अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाओगे तो ठीक है, नहीं दिखाओगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। रिक्वायरमेंट है जस्ट एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन हमने कर दिया। एक उसका बताया कि उसके साथ क्या होगा और दूसरा इसका बताया कि इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। 18 मिनट्स अलाउ हैं, हमने समझाने के साथ इसको 16 मिनट्स से निपटा दिया है, तो आपके पास फिर भी इसके लिए 18 मिनट हैं, ठीक है। कोई तकलीफ है तो बताइए, ये क्वेश्चन भी पूरा होता है।